सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि आपका बाइक में अगर बैटरी एकदम डेड हो या फिर एकदम लो हो, तो आप अपना बाइक को स्टार्ट करके कैसे आपका हॉर्न या लाइट ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ 45 वोल्ट 4700 माइक्रोफराड का कैपेसिटर। इसका प्राइस है 20 से 30 रुपया। और एक वायर अटैच कर लिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल में रेड वायर और नेगेटिव में ब्लैक वायर। और ये जो हम लोग का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, जो ब्लैक कलर का टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव कनेक्ट करना होगा, तो क्या होगा, थोड़ा कैपेसिटर जो है वो करंट का फ्लो अच्छा करता है और एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम लोग का बैटरी में उतना लोड नहीं पड़ता तो आप लोग अगर बैटरी वीक हो तब भी आप लोग कैपेसिटर ऐड कर सकते हैं। मेरा केस में क्या हुआ, मेरा बैटरी पूरा डेड है, इसलिए मैं ऐड करने जा रहा हूँ ये कैपेसिटर। ये पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव वाला वायर, नेगेटिव टर्मिनल में नेगेटिव वाला वायर ही ऐड करना, नहीं तो क्या होगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा। और गलत कीजिए करेंगे तो आप बिना बैटरी का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बैटरी के साथ लगा रहा हूँ क्योंकि बैटरी मेरा पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हुआ है, थोड़ा चार्ज है और चार्ज होने का भी संभावना है, इसलिए मैं बैटरी मेरा 3 साल का है इसलिए मैं लगा रहा हूँ विद बैटरी। विदाउट बैटरी भी आप लोग लगा सकते हैं। तो क्या करना होगा, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साइड और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइड में ऐड करना होगा, तभी हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद क्या करना होगा, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइड, देखिए कैसे वायर मैंने नेगेटिव वाला लिया, नेगेटिव मतलब ब्लैक ब्लैक वायर और पॉजिटिव मतलब रेड वायर, जैसे सबको पता है। देखिए वायर लिया मैंने, थोड़ा ज़्यादा काट लीजिए। उसके बाद क्या करने देंगे, अब नॉट कर लीजिए जो मेन अर्थिंग वायर है या फिर मेन ग्राउंडेड वायर है उसके साथ आप लोग नॉट कर लीजिए अच्छे से। नॉट करने के बाद बैटरी के साथ अटैच कर लीजिए। ये आप लोग अगर वीक बैटरी बैटरी बहुत ज़्यादा वीक हो तब भी आप लोग लगा सकते हैं, बैटरी के साथ ही कनेक्शन कीजिए। और बैटरी 5 से 6 साल पुराना हो तब आप लोगों का करना नहीं होगा। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका है, क्योंकि 1200 रुपये का बैटरी आता है या फिर 1000 रुपये का बैटरी आता है, ये सब आपको 30 रुपये में सब जुगाड़ हो जाएगा। और क्या होगा, आप सिर्फ बिना सेल्फ आप सब चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाने वाला हूँ या सब चीज़ काम करता है कि नहीं करता। पहले जब मैं यूज़ करता था बहुत ही स्लो आवाज़ आता था और सब चीज़ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता था, साउंड नहीं आता था, इंडिकेटर का साउंड नहीं आता था, इंडिकेटर ब्लिंक नहीं करता था, स्टिल रहता था। सो आप लोग ये 30 रुपया वाला चीज़ या फिर 20 रुपये में भी मिल जाएगा, ये अप्लाई कर लीजिए तो आप लोगों का पैसा भी बच जाएगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ आप बैटरी भी लगा लीजिए, बैटरी के साथ अगर ये कैपेसिटर रहता है तो बैटरी का लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। ये मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि बैटरी के साथ भी अगर आप लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, ताकि बैटरी का लाइफ स्पैन ज़्यादा रहे और बैटरी पर ज़्यादा लोड ना पड़े। ये देखिए 25 वोल्ट और 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, या फिर 50 वोल्ट का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 50 से ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि शॉर्ट होने का चांस है। देखिए मैं स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। स्टार्ट आप लोग किक से ही कर सकते हैं, देखिए मैं स्टार्ट कर लिया। ये देखिए लाइट मेरा ग्लूम कर रहा है उतना, देखिए प्रॉपर लाइट आ रहा है, पहले ये नहीं जलता था। देखिए मैंने डिपर भी ऑन कर दिया, डिपर भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, इंडिकेटर भी मेरा काम कर रहा है। देखिए जैसे आप लोग देख पा रहे हैं ब्लिंक कर रहे हैं और साउंड भी आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है साउंड भी आ रहा है। मैं बहुत ही खुश हुई लगा के। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये जुगाड़ू तरीका है जो जैसे कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरा मीटर भी रीडिंग शो कर रहा है। अगर आपको बैटरी ख़राब हो तो क्या होगा कि मीटर रीडिंग नहीं शो करेगा और लाइट बहुत ही डल होगा और हॉर्न नहीं बजेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए कि कैसे